एक प्रश्न और है, पूछा है मित्र ने। लोगों को साधना में तरह तरह के अनुभव होते हैं। कई लोग तो बड़े विश्वास से कहते हैं कि उनकी कुंडलनी जागृत हो गई है और उनके ये चक्र खुल गए हैं। कोई कहता है कि उसकी तीसरी आँख खुल गई है। कुछ लोग साधना में डर भी जाते हैं। अनुभव सही में हो भी सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, पर इन सबसे अक्सर लोग शारीरिक और मानसिक तनाव और उलझाव भी अनुभव करते हैं। आप अक्सर कहते हैं कि अध्यात्म में इन अनुभवों का कोई खास मूल्य नहीं है, तो फिर परेशानियां क्यों होती हैं और इनको कैसे देखना चाहिए, कुछ इस बात को और स्पष्ट करें। साधना के जगत में हमको झूठे अनुभवों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। कुंडलनी, चक्र और इस तरह की जो भी रहस्यमयी बातें हैं, मिस्टिकल बातें हैं, इनका बहुत गहरा मूल्य नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने इनकी चर्चा ही नहीं करी। उनके लिटरेचर में अगर हम जाएं तो उसमें कुंडलनी का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, चक्रों का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। उन्होंने इन बातों को ही नहीं उठाया, क्योंकि ये बातें एक अर्थ में उपयोगी हैं, उनके उपयोग से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इनके आधार पर कल्पना, झूठ, हेलुसिनेशन का इतना बड़ा जगत खड़ा कर सकता है व्यक्ति कि भटकाव ही भटकाव है। जितनी भी चीज़ें हैं वो किताबों में पढ़ता है, लोगों से सुनता है व्यक्ति, और फिर उन किताबों में पढ़े पढ़ाए को वो पैदा करता है। लेकिन क्यों इन्हीं के पीछे लगा रहता है व्यक्ति, कुंडलनी जगाने के पीछे, चक्रों के खुलने के पीछे? ये अटेंशन सीकिंग प्रॉब्लम है, और व्यक्ति के जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो अटेंशन डिफिशियंसी की वजह से ही हैं, कि उसको ध्यान चाहिए, लोगों का आकर्षण चाहिए अपने ऊपर। और क्यों चाहिए? क्योंकि उसको विशेष होना है, उसको अपनी ऑर्डिनरीनेस में, अपनी साधारणता में संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उसको अपने जीवन की समझ नहीं है। समझ होगी तो जीवन का पूरा रिस्पेक्ट होगा, जीवन की जो ऐश्वर्यता है, जीवन का जो विराट स्वरूप है, उसका उसको एहसास होगा और वो उस साधारणता में ही पूरी तरह से परितृप्त रहेगा। लेकिन वो रह नहीं पाता क्योंकि उसको वो समझ नहीं, तो उसको कुछ विशेष चाहिए। विशेष में उसको कुछ अनुभव चाहिए खास, कुंडलनी दूसरे के पास नहीं, उसको चक्रों का एक्टिवेशन चाहिए जो कि दूसरे के पास नहीं, और इनको जांचने का कोई पैमाना नहीं, किसी के पास कोई पैमाना नहीं। तुम कहो कुंडलनी जाग गई है तो दूसरा कहां से पता लगाए? बड़े बड़े नहीं पता लगा पाते। और मैं इस बात को तुमको बिल्कुल स्पष्टता से कहता हूं, जो कुंडलनी विशेषज्ञ हैं तुम उनके पास भी चले जाओ, वो भी नहीं तुम्हें बता पाएंगे। मैं ऐसे लोगों से मिलके ही बात कह रहा हूं, पूरे अनुभव के साथ। कुंडलनी पे तमाम किताबें लिखी हैं, जिन सज्जनों ने, वो भी नहीं बता पाएंगे कि कुंडलनी तुम्हारी जाग गई कि नहीं जाग गई। तुम बस डिस्प्ले अच्छा कर सको, तुम बात समझा अच्छी सको, तुम अध्ययन अच्छा कर लो, तुम सारी चीज़ें पढ़ लो, उसकी लिटरेचर में लिखी हैं जो कि किताब में ऑलरेडी लिखी हुई हैं। किताब में कोई ऐसी चीज़ तो लिखी नहीं है, नहीं लिखी है कि तुम उसको ढूंढ ना पाओ, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तुम्हारी स्मृति तेज होनी चाहिए, तुम सब याद कर लो, कुंडलनी जागने पे ये होता है, ये होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और तुम किसी भी कुंडलनी विशेषज्ञ के पास चले जाओ और तुम कहो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे रीढ़ में गर्म लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और सारा डिस्प्ले करो कॉन्फिडेंस। किसी की क्षमता नहीं कि वो कह पाए कि हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, कहाँ पता चलेगा। तुम कहो चक्र मेरा यहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि वो उनके दिमाग में बैठी हुई बात है, उसी हिसाब से चीज लगेगी।
उसमें नहीं पढ़ना है। 99% ये केवल हेलुसिनेशन में ही ले जाने वाली बातें होती, 1% बस इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि गुंजाइश है ऐसे अनुभवों की, उनको बिल्कुल ही अगर हम वाइप कर देंगे। अब 1% छोड़ते हुए भी मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि फिर उसके तिल के ऊपर पूरा ताड़ खड़ा हो जाता है, तो कई लोगों ने तो पूरा का पूरा ही उसको पोंछ दिया, लेकिन फिर भी मैं 1% छोड़ने का भाव रखता हूँ। 99% हेलुसिनेशन ही है। इसी वजह से लोगों में तनाव है, बेचैनी है, घबराहट है, उसको खोजने बीनने की बात है, इधर उधर भागने की कोशिश है। अब आए दिन अनंत में देखिए, जो लोग यहाँ पर सब क्लोज लोग हैं, सब जानते हैं, आए दिन लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि कुंडलनी जाग गई, चक्र में ये हो गया और ये चीज़ हो गई। वो क्यों जानना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं, उनको प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। और ऐसा नहीं कि मेरे पास ही आ रहे हैं, वो उसके पहले भी कई जगह जा चुके हैं, तमाम जगह से वो ऑलरेडी सैंक्शन गेन कर चुके हैं, और वो यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ भी अगर मैं कह दूँ निश्चित जाग गई, कमाल हो गया, ये तो एक सर्टिफिकेट उनको और मिल गया, विशेष हो गए। अब वो जाकर कह सकते हैं कि मैं लखनऊ गया था आनंद श्री के पास और उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी कुंडलनी जाग गई, तुम्हारी तीसरी आँख खुल गई। अब तीसरी आँख खुलने पर क्या होता है, किताबों में लिखा है सर, तुम पढ़ो। लेकिन कई बातें ऐसी भी हैं तीसरी आँख खुलने पर जिनका प्रमाण ढूंढा जा सकता है। वो कहते हैं तीसरी आँख जिसकी खुल जाए उसको भूत भविष्य वर्तमान दिखने लगता है। पूछो, अपने आप से पूछो, दिखता है तुमको? तीसरी आँख खुल जाए तो लोगों का जो अंतर जगत है उसमें प्रवेश मिल जाता है, तुमको मिल गया है। और जो लोग क्लेम करते हैं तुम उन तक पहुंचो, तुम मेहनत नहीं करते हो इसलिए तुमको ये लगता है, तुम उन तक पहुंचो और फिर देखो क्या उनको भी पता चलता है ऐसा सब कुछ, और तुम निराश होगे, तुम्हें लगेगा ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता। क्योंकि इतना भूत वर्तमान भविष्य अगर पता चल जाता होता लोगों को तो संसार तो बिल्कुल बदल गया होता, तुम खुद सोचो। अभी आज ही के अखबार में था, अमेरिका के किसी वॉरशिप पे किसी टेररिस्ट ने अटैक किया था और 19 साल बाद उसको ट्रैक करके उन्होंने मार दिया। 19 साल कितनी मेहनत लगी होगी, कितने अरेंजमेंट करने पड़े होंगे, तो क्यों नहीं ऐसे किसी तीसरी आंख वाले व्यक्ति को पकड़कर ट्रेस कर लिया जाता, मुद्दा ख़त्म हो जाता। इतनी मेहनत, इतना सरंजाम इसको जुटाने की ज़रूरत क्या थी और इतना वक्त लगाने की भी क्या ज़रूरत थी? लेकिन वक्त लगता है। और सोचो कि अगर ऐसी चीज़ें उपलब्ध हों तो इनका सबसे पहले उपयोग कौन करेगा? साधु महात्मा करेंगे? इसका सबसे पहला उपयोग करेंगे ये जो सैन्य शक्तियां हैं वो, क्योंकि उनका तो सारा मसला ही उसी पर खड़ा हुआ है कि पता चलना चाहिए भाई क्या होगा अगले 3 साल बाद, वो कौन सी मिसाइल बनाकर लॉन्च करने वाला है और अगले साल वो कहां पर अटैक करने वाला है, तुमको पता होना चाहिए। तीसरी आँख तुम्हारी जाग गई, तुम बैठो बताओ। लोग फिर लेकिन अपने को भुलावा देते, नहीं हमारी नहीं जागी है ठीक से पूरी तरह, लेकिन हिमालय में है महात्मा लोग, उनकी तो जाग गई है। तो मैं पूछता हूँ वो भी क्या कर रहे हैं वहाँ बैठकर? कोई कायदे की बात या कोई सेंसिबल बात तो कभी बताते हुए दिखे नहीं? समाज में इतना उपद्रव है, इतनी दुर्घटनाएँ हैं, इतनी विभीषिकाएँ हैं, आज तक ऑन रिकॉर्ड किसी ने कभी इसकी चेतावनी दी है, बताया है कि भाई अब ऐसा होने वाला है ऐसा मत करना या चीज, या ये नेता जो है ये तुम्हारे देश को चौपट करने वाला, इसको वोट मत देना? ऐसी तीसरी आँख किसी की खुली? हम कल्पनाओं में जीने के आदि हैं और अपने को विशेष समझने के आदि, उससे हमको मुक्ति पानी होगी,
उनके अपने आध्यात्मिक मतलब है, उनको रिडिफाइन करने की जरूरत है। आध्यात्मिक जगत में तो मैं इन चीज़ों को कहता हूँ कि रिडिफाइन कर, मैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि तमाम चीज़ों में थोड़ा मूल्य है, तो उनको रिडिफाइन करने की ज़रूरत है।